अल्लाह मोहम्मद वालेकुम सलाम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद रिदवी साहब, अली मोहम्मद गरीब भाई आपका। हमारे दरमियान एक ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं कि जिनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ, और खसूसी तौर पे मैंने उनसे आज के मजलिस में शिरकत की गुजारिश इसलिए की थी कि वालिद के दुख को समझना और उसको महसूस करना यकीनन सज्जाद के लिए भी बहुत तकलीफदेह है। वालिद साहब के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसे वालिद के जिसने औलाद को इस तरह से तरबियत दी कि जो आज़ादारी और फर्श अज़ा के हवाले से और अपने वालदैन की बेहतरीन तरबियत के हवाले से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे जाने पहचाने अच्छे नौजवानों में जाने जाते हैं सज्जाद सुमरो साहब, लेकिन उसके बावजूद मैंने जनाब मुश्तबा अब्बास से गुजारिश की थी कि जिनके वालिद का पिछले हफ्ते ही चेलम था, और कि आप हमारे इसमें बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं और शायर भी हैं नौजवान, मैं गुजारिश करता हूं सलाम के लिए जनाब मुश्तबा अब्बास साहब से। मुश्तबा साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। अस्सलाम वालेकुम या सबसे पहले तो आप सबको हैदर टीवी कनाडा की का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उसके बाद अपने भाई अली रजा सुमरो का शुक्रगुजार हूं और शेफ भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अब मेरे एक भरपूर मौका दिया कि मैं सनाए अहले बैत कर सकूं और एक सलवात पढ़ दीजिएगा बराए ताजिल इमाम ज़माना बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। अच्छा, चार मिसरे पहले मैं अपने चार मिसरे को सुनाऊं, फिर इंशाल्लाह एक कलाम जो बाप पे है वही कलाम आपको गुजार करूंगा। एक और सलवात पढ़ दिया बराए बुलंदी दरजात तमाम मरहूमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आलमे कर्ब में जब उनको सदा देते हैं, आलमे कर्ब में जब उनको सदा देते हैं, हम गुनाहगारों की बिगड़ी वो बना देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुनाहगारों की बिगड़ी बना देते हैं, और जब जब कोई ठेस लगाता है हमारे दिल को, जब कोई ठेस लगाता है हमारे दिल को, अपना किस्सा शहे वाला को सुना देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को सुना दा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दिन ढले जब करके मजदूरी रजाता है बाप, सुभान अल्लाह क्या वालिद के लिए कलाम निकाला, सुभान। जब करके मजदूरी रजा मुश्तबा अब्बास के शायद माजरत खाऊं, नेट के कनेक्शन के माजरत खाऊं। दोबारा से एक सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे सामने आंखों के जिस बेटे के मर
जाता है बाप, अरे लम्हा लम्हा जिंदगी भर उसको याद आता है बाप। दिन ढले जब कर के मस दूरी रजाता है बाप, और उम्र भर रहती है उस बेटे के दिल में एक खलेश, अरे उम्र भर रहती है उस बेटे दिल में एक खलेश, जब तरक्की देखने से पहले मर जाता है बाप। दिन ढले जब करके मस दूरी रजाता है बाप। और मेरे घर में मेरी बहन की शादी थी, तो उस वाले से ये शेर ऐसा लगा था कि मेरे हिसाब से लिखा है रजा सरसिवी साहब ने, कि कोई उन बच्चों से पूछे क्या है शादी का मजा, हाय 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 हाय, कोई उन बच्चों से पूछे क्या है शादी का मजा, अरे ब्याह की तारीख रख के जिन की मर जाता है बाप। दिन ढले जब करके मस दूरी रजाता है बाप, और जब नुमाया कामयाबी चूमे बेटे के कदम, जब नुमाया कामयाबी चूमे बेटे के कदम, अरे नजर दिलवाती है माँ सजदे में गिर जाता हाय हाय बाप, और रोते रोते बस यही कहता है वो हाय हुसैन, अरे रोते रोते बस यही कहता है वो हाय हुसैन, जब कभी अपने जवां बेटे को दफनाता है बाप। दिन ढले जब करके मस दूरी रजाता है बाप। सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। जज़ाकअल्लाह मुज्तबा अब्बास जनाब, शायर इनकलाब, शायर अहले बैत, हिंदुस्तान के मशहूर शायर रज़ा सरसिवी साहब का एक खूबसूरत कलाम वालिद के हवाले से जो ख़ास तौर पर मैंने आपसे दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, ये हैदर टीवी पर यह मजलिस ईसाल सवाब के हवाले से डॉक्टर अल्ताफ़ सुमरों की है, और मैं आज इस हवाले से भी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ सुमरों के भाई पाकिस्तान से मौजूद हैं, और यकीनन हम अपनी जानिब से उनके साहबजादे को भी ताज़ियत पेश करते हैं और जनाब अली रज़ा सुमरो साहब को भी ताज़ियत पेश करते हैं, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि यकीनन इस मजलिस में अगर डॉक्टर अली रज़ा सुमरो साहब कुछ उनके लिए या अहले बैत के हवाले से कुछ पढ़ दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अली रज़ा सुमरो साहब से गुजारिश करता हूँ तमाम मोमिनीन से बावाज़े बुलंद नारा सलावात। भाई सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सब दोस्तों का, अलामा साहब का, जहाँ जहाँ से आपने शिरकत की है सबकी बड़ी मेहरबानी। और चार अशआर पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। फजीलतों का क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, बुलंदियों का वो मंजर कहाँ से लाओगे,
सुभान अल्लाह। बयान अपनी बड़ाई का यूं कहीं भी करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बयान अपनी बड़ाई का यूं कहीं भी करो, मगर दीर मेंबर कहां, से लाओगे, मगर हदीर का मेंबर कहां से लाओगे। सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलामत रहे, जज़ाक अल्लाह। मेरे मौलाओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मौलाओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों के उठाते उठाते, तेरे दुश्मनों की गुजरती है मौला, तेरे दोस्तों को सताते सताते गुजरती है जैसे गुजारेंगे मौला, नहारी है हिम्मत नहारेंगे मौला, सितम थक गया है हुए कुंद खंजर, लहू मोमनों का बहाते बहाते, जबा से जो की बात उसने निभाई, पिया ठंडा पानी नशाए में आई, जमाने से उठी असर की मादर, ख्यालों में झूला झुलाते झुलाते, खुदा जानता है वो कैसा था मंजर, कलेजे पे आब के चलते थे खंजर, जवानी ज़ईफ़ी के दर पर खड़ी थी, सकीना की तुर्बत बनाते बनाते, हाय 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 हाय, तकल्लुम की और हैदरी की दुआ है, हर एक संत मातम हे आहो बुका है, नए सा हो हम भी लहत में ये बोले, बहुत देर की मेहर बाते आते, मेरे मौलाओ के मुद्दत हुई है सितम ज़ालिमों का उठाते उठाते। जज़ाकल्ला इमाम ज़मा के हवाले से बेहद खूबसूरत से दुआ पेश कर रहे थे अपने बड़े भाई के इसाले सवाब की मजलिस में जनाब अली दादा सुमरो साहब। सोस खानी हमारी मजलिस का एक ऐसा हिस्सा रहा है कि जिसके ज़रिए एक मुख्तलिफ अंदाज से अहले बैत के मसाइब को बयान किया गया, और एक कदीम रिवायती अंदाज रहा सोस खानी का, और ऑस्ट्रेलिया के शहर में इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए यकीनन बहुत बड़ा मुश्किल काम था, और उन चंद लोगों में हुसैन भाई, हुसैन रजा साहब जो मेलबर्न से हमारे साथ आए तशरीफ़ लाए हैं प्रोग्राम में, उन्होंने यकीनन इसको रखा है। और बड़ी बात आज के मजलिस के हवाले से, डॉक्टर अल्ताफ़ सुमरू की मजलिस के हवाले से, कि उसमें एक खूबसूरत मैसेज उन्होंने ये भी दिया है कि औलादों को साथ ले कर कैसे चला जाता है, और उन्होंने अपने साहबजादे को भी साथ रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सज्जाद सुमरू अपने वालिद को साथ लेके याद रखे बैठे हुए हैं, अली रजा सुमरू साहब बैठे हुए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ सोस खानी के खास
शिरकत के लिए जनाब हुसैन रजा साहब से जो मेलबर्न से हमारे साथ तशरीफ लाए, बाबा से बुला नारे सलवात तामीर हुकुम में शुएब भाई और मसीह के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी इस खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकूं और सुमरो साहब के खानवादे को ताजियत पेश करता हूँ जिनके ईसा सवाब के लिए मजलिस मुनाकद की गई है और मुश्तबा हसन साहब मुश्तबा अब्बास जिन्होंने अभी सलाम पढ़ा उनके वालिद की करीब वफात हुई है उनको भी ताजियत पेश करता हूँ। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद सब के मुश्किल कुशा हैं मेरे अली मेरे अली वाह वाह बात ऐसी ढकी छुपी क्या है सब के मुश्किल कुशा है मेरे अली बात ऐसी ढकी छुपी क्या है शक अगर है पुकार के देखो और शक अगर है पुकार के देखो हाथ कंगन को आरसी क्या है सबके मुश्किल कुशा है मसीह के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ इख्तिसार के साथ और एक बार फिर मोहम्मद जब यावरों से दिल भरे जहरा अब चढ़ गया जब यावरों से दिल भरे जहरा अब चढ़ गया गुरबत में कार खाने शाही बिगड़ गया परदेश में हुसैन बेकवाब पड़ गया असवर तलक भी तीरे सितम खा मर गया यावर रहा न कोई शहे मशरिफ़ैन का
दुश्मन जमाना हो गया बेकार, हुसैन का फिर बोल साथ किसका, रहा है सदा भर माल लाखों हो गए इस दहर में, चमर मातम कहीं बपा है कहीं को, नजर शादी कहीं है होती है बेवा, कोई दुल्हन कोई तिसर को देख के दिल शाद होता है, गुर्बत में कोई बेटे की मैया रोता है, फरमाया चहने बाद इमाम हो वारिस तुम्हें तो इतरते खैरुल इनाम हो, दादा की विरसादार तुम्हीं ला कलाम हो, लेकिन वो काम करना के ताहर नाम हो, तन्हा नहीं हो सर का हमारे भी साथ है, हाय हाय अब तेरे हाथ है, तलकीन कर रहे थे ये शाह शहे हुदा, जो आई तबले जंग की मैदान से सदा, कहने लिबास को ना बहन से तलब किया, दुखियारी बीबियों में कयामत हुई बपा, पहना लिबास मर्ग शहे मशरकैन ने, गर तू हिलाया नबेका, नाना है जिसका अहमद मुख्तार, वो मैं बाबा है जिसका है दरे करार, वो मैं अम्मा है जिसकी बात मनाचार, वो मैं जिसका कोई नहीं है मददगार, वो मैं फाके में मुब्तिला भी हूँ और नीम जा भी हूँ, तुम सब का मैं इमाम भी हूँ, मैं रहमान भी हूँ, जब यावरों से दिल भरे। जज़ाकल्ला हसैन रज़ा साहब, बहुत खूबसूरत सोज़ो सलाम और मरसिया पेश किया। क़िबला की आमद हो चुकी है और हम बगैर किसी ताखिर के शायर आले शाह विलायत डॉक्टर नदीम नकवी साहब से, जो पाकिस्तान से हमारे से इस प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की, उन्होंने उनसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये मजलिस डॉक्टर अल्ताफ सुमरो के हवाले से, तो हमारी ख्वाहिश थी कि एक ऐसे शायर हों, मनकबत खाम हों, कि जो अगर शिरकत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क़िबला नदीम साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सलाम पेश करने के लिए बावा जब बोला नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो डॉक्टर अल्ताफ सोबरो की मगफरत के लिए बहुत सारी दुआएं, और यकीनन एक अली के चाहने वाले, अली के सच्चे आशिक थे, तो उनके जवार में वो होंगे और मौला को अपनी जो है मोहब्बत से वो हमकिनार कर रहे होंगे। चार मिसरे पेश करता हूँ।
हर जो अली का चाहने वाला, अली का नदीम होता है यानी अली का दोस्त होता है, उस हवाले से चार मिसरे देखिएगा और सलाम के शायद पेश करूंगा। अता, अता। तनाए नूरे अली उल अजीम कैसे हो, सुभान अल्लाह। तनाए नूरे अली उल अजीम कैसे हो, बशर से शरह अलिफ लाम मीम कैसे हो, शरह अलिफ लाम मीम कैसे हो, सुभान अल्लाह। तनाए नूरे अली उल अजीम कैसे हो, बशर से शरह अलिफ लाम मीम कैसे हो, लहत के सारे मसाइल से जान छूट गई, लहत के सारे मसाइल से जान छूट गई, अली ने आके जो पूछा नदीम कैसे हो, कैसे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली ने आके, आपने तो जिंदगी में माशाल्लाह क्या, अली ने आके जो पूछा नदीम कैसे हो, कैसे हो। यकीनन डॉक्टर अल्ताफ सोमरू भाई भी अली के नदीम थे, अली के दोस्त थे, तो यकीनन उनका हाल अहवाल पूछा होगा कब्र में जब मौला आए होंगे, और जब मौला कब्र में आते हैं तो सारे मसाइल खुद ही दूर हो जाते हैं। उसी हवाले से ये चार मिसरे मैंने पेश किए। क़िबला मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब समाअत फरमा रहे, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया से मैंने बहुत तकरीर सुनी है इनकी, बड़ा मुतखिद हूँ इनका, तो सलाम के चंद अशार ताकि मैं ज्यादा हाइल ना हो सकूं इस उनके दरमियान और सामईन के दरमियान। सलावात पढ़ दिया बाद में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वो घर मेरे नसीब में, वो घर मेरे नसीब में, मेरे खुदा न हो वो घर के जिस में जिक्रे शहीद करबला न हो, वो घर के जिस में जिक्रे शहीद करबला न हो, वो घर मेरे नसीब में, वो घर मेरे नसीब में, मेरे खुदा न हो वो घर के जिस में जिक्रे शहीद करबला न हो। और हदीसे किसा पे एक तकरीर मैंने सुनी थी मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब की, उन्हीं की नजर करता हूँ ये शेर देखिए कि उस घर से रूठ जाएंगे रहमान सिलसिले, उस घर से रूठ जाएंगे रहमान के सिलसिले, जिस घर में एहतमामे हदीसे किसान सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, जिस घर में हितवा में हदीसे किसान हो, खुद को गुलामे हजरत अब्बास ना कहे, खुद को गुलामे हजरत अब्बास ना कहे, जिस शख्स में खुलूस मोहब्बत वफा न हो, जिस शख्स में खुलूस मोहब्बत वफा न हो, हर दुश्मन अली को
हदफ जानता हूँ मैं, हरनिता हूँ मैं, या रब कभी भी मेरा निशाना खता ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रब कभी भी मेरा निशाना खता ना हो, फरिशे अज़ा बिछाओ करो मातमे हुसैन, फरिशे अज़ा बिछाओ करो मातमे हुसैन, लेकिन रहे ख्याल के सजदा खजाना, वाह 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 वाह, सजदा खजाना के सजदा खजाना हो, उसकी लहद में होगी भला रोशनी कहाँ, उसकी लहद में होगी भला रोशनी कहाँ, जिसकी लहद में थोड़ी सी खाके शिफा ना हो, जिसकी लहद में थोड़ी सी खाके शिफा ना हो, सुगरा वतन में करती है हर दम यही दुआ, सुगरा वतन में करती है हर दम यही दुआ, महबूद कोई भाई बहन से जुदा ना हो, नोके सीना से कहता था गिर कर जरी कसे, भाई के सामने तो बहन बेरदा, रुख पर नदीम नकवी समझ ले नबार है, वो आप जिसमें अश्क हो अश्के अज़ाना हो, वो गए मेरे नसीब में, वो गए मेरे नसीब में, मेरे खुदा ना हो, वो घर के जिसमें जिक्रे शहे कर बनाना हो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत शुक्रिया। लेकिन रहे ख्याल के सजदा खजा न हो, अकीदे और आज़ादारी का कॉम्बिनेशन और इनको दोनों लेके चलना, और यकीनन शोरा की जिम्मेदारी है, और जहाँ पर ज़िम्मेदारी का नाम आता है तो क़िबला हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना जनाब आबिद बिलगरामी साहब का नाम इस तरह से है कि शरीयत की गुफ्तगु हो तो जनाब आबिद बिलगरामी, इबादत की गुफ्तगु हो तो आबिद बिलगरामी, अकीदत की गुफ्तगु हो तो आबिद बिलगरामी, मोहब्बत की गुफ्तगु हो तो आबिद बिलगरामी, हद तो यह है कि अगर ख़ानदान की गुफ्तगु हो तो आबिद बिलगरामी। ऐसा एक रब्त, ऐसा एक रिश्ता बन चुका है। आप हिंदुस्तान में मौजूद हैं और पिछला एक अशरा पूरा आपने जिस तरह से इस्लाम आलम इस्लाम की खिदमत की है, और जिस तरह से आपने आलम इस्लाम को
جتنے خوبصورت طریقے سے اور آسان طریقے سے اور دنیا کی مختلف زبانوں میں بول کر چیزیں سمجھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک انداز رکھتے ہیں, ایک اپنا مختلف انداز رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو کہ آج کے پروگرام کے ناظم تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک معذرت نوٹ بھیجا کہ عابد ڈاکٹر جناب عابد بلگرامی کی مجلس جو ہے ان سے مس ہوئی, ان کی کوئی میٹنگ تھی. ہم شکر گزار ہیں اور ان کا نوٹ یقیناً میں ناظرین اور حاضرین کو, یہ مجلس 100-102 ممالک میں ٹی وی کے ذریعے, آئی پی ٹی وی کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے علاوہ, تو یقیناً قمر صاحب آپ کو ہم مس کر رہے ہیں. قبلہ آپ سے مجلس سے پہلے بس آپ سے گزارش تھی کہ اہل خانہ کی جو مجھے پیغام ملا ہے کہ مرحوم کا, تو آپ چونکہ مجلس جب بھی پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے گھر کی افراد کی مجلس پڑھ رہے ہیں, یقین کریں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہندوستان سے عابد بلگرامی صاحب موجود ہیں, گھر کے فرد لگتے ہیں. تو مرحوم کی دادی ہیں جناب الطاف سمرو, ڈاکٹر مرحوم جن کی مجلس ہے ان کی دادی ہیں خورشید بیگم, اور ان کے ماموں ہیں جنہوں نے مجلس انعقاد کرائی جناب سجاد سمرو صاحب نے, ان کے ماموں ہیں جو ان کے سسر بھی ہیں یقیناً اور بڑا اہم رشتہ ہے, جناب ضمیر حسین سمرو صاحب, تو ان کے لیے بھی ضرور دعائے مغفرت ضرور یاد رکھیے گا. ناظرین آپ جناب عابد بلگرامی صاحب کا انتظار کر رہے تھے اور میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہونے جا رہا ہوں کہ زبی ممبر جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب کو کہ اپنا خطاب شروع کریں. تمام مومنین سے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على الثقلین, محبوب رب المشرقین المغربین, جد الحسن والحسین, ابو القاسم محمد والا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل من علیہا فان, صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم عزاداران امام اس کی مجلس, مرحوم ڈاکٹر الطاف سمرو کی ہے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, اور جناب سجاد سمرو جو آج کے یہ آرگنائزر ہے ان کو جو ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اجر عظیم عطا کرے. دوستو ایصال ثواب ایک ایسا تحفہ ہے, ایک ایسا گفٹ ہے کہ جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں, اور یہ اتنا ضروری ہے کہ پروردگار اگر یہ کہہ دیتا کہ جیسی تم مرے جیسی تمہاری روح نکلی جتنے تم نے اعمال کیے بس وہی تمہارے ساتھ رہیں گے, دیٹس اٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ کھلے گا جو تم لے کے آئے ہو بس اتنے, اور اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ کرم ہے پروردگار کا, بلیو می یہ کرم ہے پروردگار ہے, یہ ایسا کرم ایسا مرسیفل ہے, اللہ ایسا مرسیفل ہے کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا, ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ ہمارا خالق کائنات ہے, وہ ہمارا کریئٹر ہے, وہ رب العالمین ہے, رب المشرقین والمغربین ہے. اس نے کہا ڈونٹ وری, تم جو لے کے آؤ گے اس کا اجر تو دوں گا, لیکن اگر تم نے دنیا میں کوئی کام ایسا کیا, اولاد کو چھوڑا, کوئی اور کار خیر کر دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کسی کو تم نے کوئی دین کا عمل سکھا دیا, کسی امام بارگاہ کو بنا دیا, کسی امام بارگاہ میں لائٹ لگوا دی, مثال دے رہا ہوں, اس کا بھی اجر دوں گا. اور جب تک یہ کام کرتے رہیں گے تمہارے بہاف میں, اس وقت تک ہم تم کو اجر عظیم عطا کرتے رہیں گے, تمہارے گریڈز کو بڑھاتے رہیں گے. دوستو میں نے مجلس کا آغاز جس سے کیا وہ تو ابھی میں نے کچھ بات ہی نہیں کی, بات نکل گئی, بس 45 منٹ سے 50 منٹ پڑھوں گا, ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا. اللہ اس ڈاکٹر الطاف کے درجات کو بلند کرے, ان کے گھر والوں کو, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے. یہ بہت اچھا کام کیا جناب سجاد صاحب نے کہ مجلس کروا دی. کیوں کروائی؟ کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے, برسی ہوگی یا عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس,
मैं तो आजकल ये बोलता हूँ अलहबाद चैनल पे भी, मैंने अभी बोला इसलिए कहता हूँ अलहबाद चैनल पे ईसा अलैहि सलाम के मंदिर से पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ लोगों के ये बेहतरीन मौका मिल गया लॉकडाउन में सबको। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ब्रिस्बेन में ये मजलिस होती, 100, 200, 300, 400 लोग आते, 500 लोग आते, लेकिन ये लॉकडाउन होने की वजह से मजलिसें ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन में जैसे अभी भाई ने कहा कि कई जगहों पर यह मजलिस सुनी जा रही है, कई हजार लोग सुन रहे, तो आप सोचोगे कितना सवाब मिल रहा तुम्हारे मरहूम डॉक्टर अल्ताफ को, क्या आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज उनकी लहद में उनकी ईद हो गई, व्हाट आई एम सेइंग, आज डॉक्टर अल्ताफ की लहद में उनकी ईद हो गई। मरने वालों की ईद आप कैसे करेंगे, इस आले सवाब के जरिए करेंगे। मरने वालों को खुश कैसे करेंगे, अपने बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, व्हेन यू सेंड समथिंग टू देम, जब तुम भेजते हो वो लोग गिफ्ट लेते हैं उसी वक्त। और अजीब बात यह कि परवरदिगार जो है रहमत फौरन नाजिल करता, अजाब नाजिल नहीं करता। कितना मर्सीफुल है, कितना मर्सीफुल है। खुदा ना खासा इसका यह मतलब नहीं कि आप गुनाह करते जाओ, मैं आपको बता रहा कि अल्लाह का करम बता रहा सर, अल्लाह का करम यह कि इंसान जब खुदा ना खासा कोई गुनाह करता है, जब भी कोई गुनाह करता है, अल्लाह ये जो दो फरिश्ते जो लिख रहे हैं हमारी हर चीज को, जिनके हाथों में आईपैड हैं सबके, और पूरा एक एक चीज की एंट्री कर रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर रहे क्या, तो इनको इंस्ट्रक्शन है अल्लाह की तरफ से कि जब मेरा बंदा कोई गुनाह करे जरा ठहर के लिखना, लिखना जरूर लेकिन ठहर के लिखना। क्यों ठहर के इसलिए लिखना कि शायद मेरा बंदा मुझे सॉरी बोल दे। आप सोचो करम है परवरदिगार क्या है, शायद मेरा बंदा मुझसे माफी मांग ले, मैं तवाबु रही में माफ कर दूंगा। दोस्तों अजीब बात यह कि परवरदिगार बंदों को माफ करने में खुश होता है। मैं क्या बोल रहा, बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अल्लाह अपने बंदों को गुनाहगारों को माफ करने में खुश होता है, और हम एक लम्हा भी किसी को माफ करने तैयार नहीं। एंड देन वी से कि वी आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली। बाबा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा नीचे अगर तुमने किसी को माफ नहीं किया अपनी जिंदगी में। अल्लाह खुश किसमें हो रहा कि जब उसका बंदा उसको सॉरी बोल रहा, जब उसका बंदा उसके बारगाह में जाके बोला कि अल्लाह प्लीज मुझे माफ कर दे। इमाम अली का जुमला है ना कि उस शख्स से क्या कहा था कि जब खाने काबा के गलाफ को पकड़ के वो शख्स तड़प रहा था, रो रहा था, और मौला अली ने आगे जर पे उसके पीठ पे हाथ रख के कहा था कि क्यों इतना तड़प रहा। उसने कहा था या अली मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अली ने कहा माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। तो उसने कहा नहीं मौला मेरा गुनाह बड़ा हद बड़ा वो माफ नहीं करेगा। फिर इमाम ने वेरी सॉफ्टली कहा नहीं मांग ले माफी, माफ कर। तीसरी मरतबा जब उसने यही वर्ड को रिपीट किया कि या अली पॉसिबल नहीं इतना बड़ा गुनाह मैंने किया, गुनाह नहीं बता रहा था ना, मौला पूछना चाहते थे, मौला तो जानते, तो कहा गया। जब तीसरी मरतबा कहा तो मौला ने थोड़ी सी अपनी आवाज को रेस किया, रेस करके कहा यह बता उसकी रहमत बड़ी है तेरा गुना बड़ा। उसने क्या कहा नहीं या अली उसकी रहमत बड़ी है। तो इमाम ने एक पैगाम दिया हमको, इसका यह मतलब नहीं प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं यूथ को बोल रहा डोंट मिसअंडरस्टैंड कि आप गुना करते जाओ, नो। मौला बोलते अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह कहता है मुझे वो बंदे बहुत पसंद है जो गुना ही नहीं करते, और मुझे वो बंदे भी बहुत पसंद है जो गुना करके माफी मांग लेते। एक चीज याद रखो, आज 20th century में बोल रहा, 21st century में बोल रहा, कि गुना करना आसान है, माफी मांगना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। गुना करना आसान है, सॉरी का बोलना डिफिकल्ट है। जैसी तुम नियत करोगे सॉरी बोलू मैं, फौरन हमारा फ्रेंड आ जाता हमारे पास, फौरन शैतान तुम्हारे पास आ जाएगा। सॉरी का मतलब शैतान की शिकस्त है, सॉरी का मतलब शैतान डिफीट खा रहा, सॉरी का मतलब शैतान चाहते ही नहीं, इसलिए क्या सॉरी बोलोगे तो अल्लाह माफ करेगा, तो वो चाहते ही नहीं कि बंदा सॉरी बोले, वो फौरन आ जाता, आके बोलता ठीक है यार तुमने किया है ना, कल कर लेना सॉरी, परसों कर लेना, अब वो चला। हुक्म क्या है, फौरन सॉरी बोलो। एहसास गुना सबसे बड़ी चीज है, याद रखो एहसास गुना होना, एडमिट करना अपने आप को कि यस आई डिड इट। और यहां पे अल्लाह बोल रहा मैं फौरन माफ करता, हमने कितने लोगों को माफ किया, अफसोस से बोल रहा हूं, वेरी सैड टू से दिस,
खानदान टूटे हुए, आप अंदाजा नहीं लगा रहे कि नीचे कितना प्रॉब्लम होने वाला है। लहद के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? गुनाहगार माफ ना हो। अभी हमारे भाई नदीम ने बेहतरीन कलाम सुना, मौला इंशाल्लाह आएंगे 200% आएंगे मौला हमारी लहद में। ये हमारा ईमान है, ये हमारा बिलीव है कि मेरा मौला आता है, उन्हीं के ऊपर तो भरोसा है, और किस पे भरोसा कि मेरा मौला आएगा। लेकिन मौला आएंगे तो कम अज कम अपना चेहरा तो ऐसे बनाओ कि अली देखकर मुस्कुराए, क्लीन शेव हूं मैं, और मैं मौला को क्या चेहरा बताऊंगा। इतना लोग अभी हर साल माशाल्लाह हम ज्यारत पे जाते, लोग जाके कहते हैं मौला मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मौला के रोजे में पहुंच गया, ग्रुप को मैं लीड करता हूँ, लेके नहीं जाता। बॉम्बे का ग्रुप है, यूके के ग्रुप से सिर्फ 2 दफा जाता हूँ साल में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का करम है। तो ये कहते मौला मेरी जान कुर्बान आपके पास, मेरे बच्चे कुर्बान। मैंने कहा बाबा सुनो, बच्चों को कुर्बान मत करो, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे मौला को देखे, मौला मेरे बच्चे कुर्बान, मैं कुर्बान आपके ऊपर। अरे अली की मोहब्बत में 4 बाल नहीं छोड़ रहे और तुम बच्चों को कुर्बान कर, इस तरह कभी मत करो। जस्ट थिंक व्हाट आई एम सेइंग, मौला की मोहब्बत में मैं 4 बाल नहीं छोड़ सकता, मौला की मोहब्बत में हमारी औरत पर्दा नहीं कर सकती, मौला की मोहब्बत में मैं म्यूजिक नहीं छोड़ सकता, मौला की मोहब्बत में इंडियन मूवीज नहीं छोड़ सकता, मौला की मोहब्बत में मैं गीबतें नहीं छोड़ सकता, वो तो कंटिन्यू कर रहा। और मैं बोला मेरे बच्चे कुर्बान, अरे अली की मोहब्बत में पहले ये गुनाहों से बचो, उसके बाद बच्चों को कुर्बान करना। बच्चों को कुर्बान करने की आज के दौर में बच्चों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, आज के दौर में औलाद को प्रोटेक्ट करो, आज के दौर में औलाद को बचा के रखो, आज के दौर में औलाद को दीनदार बनाओ कि तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करे। अगर तुम मर जाओगे और तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करने वाला कोई ना हो, आज का दौर ऐसा खतरनाक दौर है। मैं भी बता था आपको, यूके में लेस्टर में मैं था लास्ट ईयर बीबी की शहादत, ये लॉकडाउन से पहले, अजीब वाकया दोस्त, 3 या 4 बेटे उसके मरने वाले के, अब वेरी वेल टू डू, सब पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है, अली वालों को पढ़े लिखे ही होना चाहिए, बेहतरीन चीज है। मतलब यूथ को बोलता हूं कि एजुकेशन के साथ रहो, इसलिए कि इल्म के साथ अली पहचाना जाता, अली जहालतों में पहचाना नहीं जाता। मौला अली को पहचानना है, मौला अली तक पहुंचना है तो जहालतों में रहोगे तो कभी नहीं जाओगे, इल्म होगा तो तुम अली तक जाओगे। करबला समझ ही में नहीं आता, इमाम अली समझ ही में नहीं आते जहालतों जहालतों में, जाहिल समझ ही नहीं सकता अली को, सिर्फ आलिम ही समझ सकता है जिसके पास इल्म होगा। मैं तो बहुत बोलता हूँ यूथ को कि कॉर्पोरेट कंपनीज में जा रहे तुम मास्टर्स करो, खाली बीएस करके ऑस्ट्रेलिया में मत बैठा, ऑस्ट्रेलिया बीएस करने की जगह नहीं है, सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स आके वहां पढ़े। तो वहां के लड़कों में एक सिडनी में एक लड़कों से मुलाकात हुई थी, जो मैं सिडनी पढ़ने आया था, क्या कर रहे? कहा मैं बीएस कर रहा, उसके बाद मैं बिजनेस करूंगा। मैं बोला व्हाट डू मीन बिजनेस करोगे यार, क्यों करोगे बिजनेस? मास्टर्स करो, प्रोफेशनल कोर्सेज में आओ, बिजनेस मैनेजमेंट करो, उसके बाद बिजनेस करोगे तो प्रॉपर करोगे। खाली बीएस करके, हाई स्कूल करके घरों में बैठे थे, कभी नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया में अगर तुम हो और पूरे दुनिया भर से स्टूडेंट्स आ रहे पढ़ने के लिए और तुम यहां के सिटीजन हो और तुम सिर्फ बीएस कर रहे, शिया को मौला अली यहां देखना चाहते, यहां देखना नहीं चाहते। You understand what I said? मौला यहां देखना चाह रहा, मैं एक डॉक्टर की मजलिस पढ़ रहा, अल्लाह डॉक्टर अल्ताफ के दर्जात को बुलंद करे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा, मैं चाहता कि पूरे हमारी शिया को आज से शुरू करो। मैंने मेलबर्न में भी यही बात बोली थी, एडिलेड में भी यही बात बोली थी कि अपनी अपनी औलाद को ऐसा बनाओ कि 10 साल में हमारी पूरी कम्युनिटी में इल्म आ जाए। वहां का जो यूथ है मैं उनको बोल रहा, एक चीज जहन में याद रखो, कोई कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक उसके पास इल्म ना रहे, एजुकेशन ना रहे। एजुकेशन नहीं है तो जीरो। तो बारा मैं एजुकेशन पे मेरी बात करना नहीं, जान गया करा था मैं पलट के जा रहा। तो माफी से शुरू हुई थी बात, कि अल्लाह कहता कि मैं माफ करने तैयार हूं, लेकिन बोलो तो सॉरी। अगर मैं सॉरी बोलना ही नहीं चाहता, इसलिए कि सॉरी नहीं बोलोगे तो सबसे ज्यादा नीचे प्रॉब्लम होगा। नीचे जाने के बाद नीचे के वो हिडन लाइफ को किसी ने देखा नहीं,
रोजाना सबको माफ करो, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने कजन्स को, मोमिनीन को। वो मोमिन बन ही नहीं सकता, इतनी बड़ी बात बोल रहा, वो मोमिन बन ही नहीं सकता, वो अली वाला बन ही नहीं सकता कि जो किसी को माफ नहीं करता। मैं जनरल मैसेज दे रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं जनरल मैसेज दे रहा डॉक्टर अल्ताफ की मजलिस के, वो बन ही नहीं सकता मोमिन। इसलिए कि सिफत अमीर अल मोमिनीन क्या है, सिफत हुसैन क्या है, मौला हुसैन की क्या क्वालिटीज थी। अपने आप को हुसैनी कहते हो ना, अपने आप को हुसैन का आजादार कहते हो ना, आप सोचो मैं क्या बोल रहा। मौला हुसैन दुनिया में आए, आके चंद घंटे नहीं गुजरे, हजारों साल के एक मरीज को, गुना नहीं था करके औलाद, मरीज को माफ करके जिंदगी दे दी। ऐसा नहीं है कि फिदरुज बैठ के, फिदरुज का वाक़या नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं कि फिदरुज सॉरी नहीं बता, मलाइका तो जानते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा यह अमल पसंद है, ऐसा नहीं कि फिदरुज जानता नहीं था, लेकिन जब हुसैन ने रेकमेंड किया, जब हुसैन ने माफ किया तो अल्लाह ने माफ कर दिया। तो मौला हुसैन की सीरत का यह पहलू अपनी लाइफ में लेकर आओ, माफी। और पूरी जिंदगी गुजरी, अपनी जिंदगी का आखिरी दिन आया आशूरा 61 हिजरी, जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, उसको माफ किया, माफ करके हुर नहीं था हुर बनाया, हुर खत्म हो गया था, जीरो हो गया था, जहन्नम में जा रहा था, हुसैन ने उसको हुर बना दिया। ये दोस्त मौला हुसैन की सीरत, इसको तो लाओ अपनी लाइफ में, जितना हो सके इस्तगफार रोज, बिफोर यू गो टू बेड, व्हाट आई एम सेइंग लिसन प्रॉपरली, बिफोर यू गो टू बेड एवरी नाइट, हर रात बेड पे जाने से पहले जस्ट से वन वर्ड टू योर अल्लाह, कि अल्लाह मैंने सबको माफ किया, तू मुझे माफ कर दे। अगर मुझसे किसी ने मेरी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है, मैंने उसको माफ कर दिया। किसी जुमले में रखो कि अब किसी का हक मेरी गर्दन पे नहीं, किसी मोमिन का हक नहीं, मैंने सबको माफ किया, एंड प्लीज अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। ये वर्ड एवरी डे बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बंदों को जाके बंदों से माफी मांगो, मैं ये बोल रहा अल्लाह से माफी मांगो, इमाम अली से माफी मांगो, जमाने के इमाम से माफी मांगो, मौला हुसैन से माफी मांगो, मैं ये बोल रहा आपसे, जस्ट से सॉरी टू योर अल्लाह, जस्ट से सॉरी। इसलिए कि तुम जितना सॉरी बोलोगे अल्लाह तुम्हारे ग्रेड्स को बढ़ाता जाए। मैंने अभी लेस्टर की बात की कि हालात कैसे, लेस्टर में अभी जब जनवरी में था, ये फरवरी की बात है, चलिए बिफोर लॉकडाउन, शहजादी की शहादत में वहीं था, हर साल जाता हूं, तो वहां पे एक फैमिली से मुलाकात हुई, मुझे अजीब लगा ये वाकया। मैंने कई मजलिसों में आई थिंक या मैं अजामे ये बात बोली है कि चार तीन या चार बेटे बड़े पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े और बड़े हाई पोजिशन, बाप बड़ा खुश, अब खुश भी होना चाहिए कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के। बाप का इंतकाल हुआ, आपको मालूम है उसने क्या कहा, जब फ्यूनरल हो रहा था तो जब तदफीन हो रही थी, बेटा कहता है, एक या दो बेटा कहते हैं, ओ यार जल्दी करो, जस्ट डू इट फास्ट, व्हाई, कहते हैं आई हैव गॉट सॉकर मैच। कैन यू इमेजिन, कहते हैं आई हैव गॉट सॉकर मैच। आप सोचो जो सॉकर का मैच खेलने जाएगा वो बाप की पहली रात की नमाज पढ़ेगा, आप इंसाफ से बोलो, वो पहली रात की बाप के लिए सदका देगा, वो बाप के लिए मगफरत की नमाज पढ़ेगा। और एक बात सुनो, यही फैमिली की तदफीन हो गई, मैं बात कर रहा कब्रिस्तान की, अब फिर सारे मौलाना सब लोग बैठे, अब वो लोग रिश्तेदार वो डिसाइड कर रहे थे कि तेजे की मजलिस ज़ियारत की मजलिस कब करेंगे, अब वो इत्तेफाकन संडे पड़ी थी या सैटरडे पड़ी थी, थर्सडे शायद इंतकाल हुआ था,
तो जब ज्यारत की मजलिस की बात हुई तो यू नो व्हाट दे से, यू नो आज की बात कर रहा 21st सेंचुरी की, ये फरवरी की बात कर रहा मैं, तो उसने बच्चे क्या करने लगे, मैच मजलिस डिसाइड हो रही थी 5 बजे शाम में, 5 बजे मजलिस कर, वो कहते नो मेरा फाइनल है, सॉकर का फाइनल है मेरा, आप आगे बढ़ाइए टाइम या पीछे करो। आप इमेजिन करें यार, ये दुनिया है, अगर गफलत में रहोगे तो ये हशर होगा। अब वो बाप को वहां नीचे क्या फायदा पहुंच रहा, क्या फायदा पहुंच रहा बाप को कि बेटा सॉकर मैच में बैठा हुआ है, पहली रात में वो नीचे हिसाब दे रहा। उसके बदले में अगर बेटा को ईसा ले सवाब करता, आज मैं सज्जाद साहब को जो मैंने बोला वो इसीलिए बोला कि आज आपको मौला आपको इसका अजर अजीम दे, जो जो इस फैमिली में जिन्होंने ये मजलिस को ऑर्गेनाइज किया, आज डॉक्टर अल्ताफ की रूह कितनी खुश हो रही, क्यों खुश हो रही कि दुनिया से उनके पास तोहफा आया है, दुनिया के दुनिया से उनके पास एक बड़ा मैसिव गिफ्ट आया है, दुनिया से उनके पास वो चीज आई है जिससे उनके दर्जात बुलंद हो रहे, जिससे उनके लिए वहां पे राहत मिल रही, जिससे उनके लिए वहां पे एक ब्लेसिंग मिल रही, मौला हुसैन की मजलिस का सवाब मिल रहा। कोई सवाब का अंदाजा लगा सकता, कोई सवाब का अंदाजा लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता मजलिस से हुसैन का सवाब, गैर हिसाब अल्लाह अता करता, गैर हिसाब अजर अजीम है। जैसे शोरा कराम ने पढ़ा, मरसिए पढ़ने वालों ने मरसिए पढ़ा, एक एक शेर का, एक एक मिसरे का, एक एक लफ्ज का अजर, कैसा लग रहा आपको, अजीब लगा होगा, एक एक लफ्ज का, एक एक वर्ड का अजर देगा, इतना सवाब मिल रहा तुम्हारे बाप को मरहूम को। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अंदाजा हुआ आपको जो मैं कह रहा कि ये तो हालात है। अगर अल्लाह ये बोल दे कि जो तुम लेके आए बस वही है तुम्हारे साथ, आगे मैं कोई चीज उसमें ऐड करने वाला नहीं, तो हमारा क्या आश्चर्य होता। आप इंसाफ से बोलिए, जो मैंने गुनाह किए, जो भी मैंने गुनाह किए, नेकी मेरी कम, मेरे गुड डीड्स कम है, बैड डीड्स ज्यादा है, लेकिन अगर औलाद चाहे, नेक और साले औलाद हो जाए, बेटा या बेटी नेक हो जाए, तो बाप के जो बैड डीड्स है वो गुड डीड्स में बदल जाएंगे। जब वो तोहफे भेजेगा तो अल्लाह इतना गफूरु रहीम है, इतना गफूरु रहीम है, इतना करीम है, इतना, वो लोग मैं कहता हूं बदनसीब है जो ना फातिहा पढ़ते ना दुरूद पढ़ते, बदनसीब है, बदनसीब है। ये सिर्फ दरे अहले बैत को, दरे इमाम अली को छोड़ने का नतीजा है कि ना उनके बाद फातिहा है ना दुरूद है। ये तो शुक्र अदा करो कि तुम दरे अहले बैत से वाबस्ता हो, ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारी माँ ने पाकीजा तरीके से तुमको रेस किया, तुम्हारे बाप ने हलाल रिज़्क़ खिलाया, तो विलायत अली तुम्हारे पास, आज़ादारी हुसैन तुम्हारे हिस्से में। ये इतना बड़ा करम हुआ हमारे ऊपर अल्लाह का, हम कभी शुक्रिया अदा करते अल्लाह का? इंसाफ से बोलो, कभी मैं ये बोलता थैंक यू वेरी मच परवरदिगार तूने मुझे मौला अली के चाहने वालों में पैदा किया? रोज बोलो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वाले। उर्दू में बोलो यार, इंग्लिश में बोलो, गुजराती में बोलो, जो तुम्हारी लैंग्वेज है उसमें बोलो। क्या बोलो? कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मते मोहम्मदी में पैदा किया। अगर अल्लाह उम्मते मोहम्मदी में पैदा नहीं करके मुझे नबी ईसा की उम्मत में पैदा करता तो मैं क्या कर लेता? हकीकत नहीं, नबी मूसा की उम्मत में पैदा करता तो मैं क्या कर लेता? पता नहीं कहा होता, ईसाई होता या यहूदी होता। अरे उम्मते मोहम्मदी के मैं आज ही के दौर में भी अगर अल्लाह मुझे किसी और घर में पैदा कर देता जहां विलायत अली नहीं है, तो मैं जहन्नम के दरवाजे में खड़ा रहता। ये शुक्र अदा करो, जस्ट से थैंक यू यार, एक वर्ड बोल रहा अल्लाह मासूम बोल रहे, एक वर्ड बोलो सुबह उठ, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग जस्ट से दिस, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मते मोहम्मदी में पैदा किया, और उम्मते मोहम्मदी में भी उस घर में पैदा किया जहां से विलायत अली मिली, जहां से आजादारी हुसैन मिली। कभी करते हो? बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ।
teach the children, you teach your children, please batao beta, just say thank you. कि तुम्हारे हमारे दिल में मोहब्बत हुसैन आई, हमारे पास मोहब्बत है इमाम अली आई. ये सबसे बड़ी नेमत थी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी और सबसे बड़ा करम है, परवरदिगार है जो अल्लाह ने हमारे ऊपर किया. वरना नीचे जो हशर है, नीचे जो हशर होता है, अल्लाह के रसूल का जुमला, आबिद बिलग्रामी का जुमला नहीं, कायनात के लिए जो रहमत बनकर आया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतिल आलमीन का जुमला है. अल्लाह के रसूल कहते, सरकार ये कहते कि जो, प्लीज मेरा एक एक जुमला गौर से सुनना, मेरे जुमले नहीं सरकार के जुमले. सरकार कहते कि तुम्हारी निगाह में, इन योर आईज, तुम्हारी निगाह में जो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी निगाह में दुनिया की जो सबसे बड़ी मुसीबत है, कभी हम देखते हैं कि इंसान एक वेजिटेबल बन जाता. अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी का मोहताज नहीं बनाया सिवाय तेरे और मोहम्मद वाले. इंसान हॉस्पिटल में पड़ा है, एक वेजिटेबल है, इधर पाइप, इधर पाइप, इधर पाइप, इधर पाइप, हम देख के तरस खाते, यार बेचारे का क्या हाल हो गया, कैसा हो गया, हम देख के तरस खाते कि अल्लाह क्या हशर हो गया इसका, कैसा इंसान था, अब कैसा, होश ही नहीं है, कोमा में है, तकलीफ, हमको तकलीफ हो रही है, हम बोल रहे यार कितनी तकलीफ में. अल्लाह का रसूल क्या बोल रहे हैं, सरकार क्या बोल रहे हैं, सरकार ये बोल रहे हैं जो तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत है, वो लहत की सबसे छोटी मुसीबत है, ग्रेव की सबसे छोटी मुसीबत, दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत जो तुम्हारी निगाह में. आप सोच रही है बात, सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ. इसमें बड़ा हाथ रखे पड़ा डॉक्टर अल्ताफ की मजलिस, बहुत हाथ रखे पड़ा मैंने, ऑलमोस्ट 30-35 मिनट की मजलिस हो गई. आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ, ये भी ये मेरे मौला का जुमला है, मेरे मौला का जुमला, किसी का जुमला नहीं. मौला ने कहा कि उस वक्त से डरो जब तुम्हारा बेटा, योर ओन सन, योर ओन सन, तुमको नीचे लिटाएगा, ग्रेव में लिटाएगा, और कॉफिन में, अब ऑस्ट्रेलिया में तो कॉफिन के साथ लेटते, कॉफिन को लिटाएगा और ऐसा पलटेगा, टर्न करेगा अपने आप, तुम्हारा अपना बैक तुमको बता के बाहर आ जाएगा. यही होता सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में जाके देखो, बेटा नीचे ग्रेव में उतरता, लिटाया, बाप को करवट दी और उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते, ऊपर आ जाता आराम से, बैक पीट अपने बाप को बता के. उस वक्त इमाम अली बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, औरत मर्द लड़की लड़का, ये सब के लिए मैसेज है, जो मेरी माँ बहने मेरी मजलिस सुन रहे उनके लिए भी, कि तुम्हारा हमारा सबका यह अशर होगा जब बेटा लिटा के ऊपर आएगा. तो मौला बोल रहे, मौला बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोलता कि तुम उस वक्त पुकारोगे कि ओ माई सन, ओ माई सन, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन, लेकिन तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आई. तुम नीचे से पुकारते रहोगे, ओ माई सन, डोंट लीव मी अलोन, वो सुनेगा भी नहीं, पलटेगा भी नहीं. अब सुन, अब मेरी तरफ देखना, लुक एट मी, लुक एट मी. वो बाहर आया, बेटा बाहर आया, अब मेरी तरफ देखो, बाहर आया, बेहतरीन लिबास पहना हुआ है, ब्रांडेड ड्रेस है, मैं बात मिसाल दे रहा हूं आपको, बेहतरीन ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ है. उसके उस ड्रेस के ऊपर, सूट के ऊपर, ट्राउजर के ऊपर, उसकी शर्ट के ऊपर थोड़ी डस्ट आ गई, खाक आ गई. तो क्या करता, लुक एट मी, लुक एट मी. जब बेटा बाहर आता बाप को लिटा के, जब देखता है उसके लिबास के ऊपर डस्ट है, तो ऐसा झटकता, इतनी डस्ट भी अपने जिस्म पे नहीं रखता, अपने लिबास पे. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लीन हो गया. दो मिनट के बाद, 2 मिनट्स के बाद, अपने हाथों से टन्स ऑफ डस्ट, टन्स ऑफ खाक बाप के ऊपर डाल देता, सारी मिट्टी बाप पे डाल देगा. उस वक्त ये एहसास नहीं होगा कि अरे मेरे बाप के ऊपर मैं क्या डाल रहा, मेरा बाप एयर कंडीशन में रहता था, मेरा बाप इतने बड़े बंगले में रहता था, वेर इज नाउ. ये हम सबका होना है, उसके लिए औलाद को नेक बनाओ, उसके लिए कोई काम करके जाओ. डोंट फॉरगेट, मैं यूथ को बोल रहा, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स.
अगर तुमने अपने माँ बाप को भुला दिया तो सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं, तुम्हारे काम ऐसा रुकते, रिस्क मुंह तक आता रुक जाता, रिस्क मुंह तक आता रुक जाता इफ यू फॉरगेट योर पेरेंट्स। अल्लाह सज्जाद साहब आज और ये पूरी एंटायर फैमिली जिन्होंने डॉक्टर अल्ताफ की मजलिस की, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करे, इनके रिस्क के दरवाजे क्यों। अब इसका सवाब सुनो कि जब मिसाल मैं यही मजलिस की मिसाल दे रहा, डॉक्टर अल्ताफ की लहर में आज की मजलिस पूरे सलाम सोज मनकब जितने लोगों ने पढ़ा, अल्लाह उनको अजर अजीम दे, ये सारा सवाब, ये पूरा सवाब मजलिस का सूरह अलहम से ज्यारत इमाम हुसैन तक, ये सारा सब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक कंप्लीट एक नूर का तश्त बनता, फरिश्ते ये तश्त को नूर के रहमत के फरिश्ते लेके मरहूम की लहर में जाते। अच्छा बात वहां इनकम्प्लीट छोड़ी थी, फिर पलट के वहीं जा रहा, जब गुनाह करता तो अल्लाह माफ कर देता, वेट करता गुनाह नहीं लिखता। गुनाह में बात यहां छोड़ी थी मैंने, गुनाह जब कोई इंसान खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे हमको, अल्लाह माफ करे, गुनाहों से महफूज रखे, गुनाहों से महफूज रखे, शैतान के शर से महफूज रखो, हमेशा दुआ करो अल्लाह तू शैतान के शर से बचा ले, चौथे इमाम का वास्ता देके दुआ करना। तो जब गुनाह किया तो अल्लाह कहता कि इसके ऊपर अजाब नाजिल मत करो, इसके गुनाह को लिखो नको। इसके बरस जब कोई नेकी करता, तुम छोटी सी छोटी नेकी कर, मिसाल के तौर पे ग्लास ऑफ वाटर, तुम्हारी वाइफ तुमको बोल रही कि कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, आप ले जाके बीवी को ग्लास ऑफ वाटर, इसका भी सवाब। आप नहीं पिलाते मुझे मालूम है, ब्रिस्बेन वाले नहीं पिलाते पानी बीवी को, मैं एक बात बोलूं कि जब आप देर ले जाके तो उसका सवाब भी बीवी को आपको, लेकिन जब तुम दो ना, मैं जनरल बात कर, जब तुम दो ना ग्लास ऑफ वाटर अपनी वाइफ को या बच्चों को किसी को भी, दिल में नियत करो कि इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचे, इसका सवाब मेरी माँ को पहुंचे, इसका सवाब सारे मरहूमीन को। एक ग्लास ऑफ वाटर यार, एक ग्लास ऑफ वाटर बच्चों को भी तुम दे रहे, सवाब जो है माँ बाप को मरहूमीन को दे दो। तो अल्लाह नेकी का फौरन अजर देता, गुनाह का अजाब नहीं देता। तो मतलब क्या हुआ, अजाब नाजिल करने में देरी करता, रहमत नाजिल करने में जल्दी करता। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد। मैं ये बोलना चाह रहा था, कितना मर्सीफुल है, कितना करीम है हमारा परवरदिगार, कोई अंदाजा है कि अजाब नाजिल करने में हमेशा देरी करता लेकिन रहमत नाजिल करने में एक लम्हे के लिए। तो आज की ये मजलिस डॉक्टर अल्ताफ, मैं जनरल मैसेज दे रहा, जो भी मजलिस करे पूरे सज्जाद साहब और ये एंटायर फैमिली, इन्होंने मजलिस की नियत यह कि आज का सवाब मरहूम डॉक्टर अल्ताफ को पहुंचे। डॉक्टर अल्ताफ अपनी लहर में वादी सलाम में, जहां पे भी माशाल्लाह वादी सलाम में होंगे बरजख में, और इनकी लहर में ये सवाब फरिश्ते रहमत के लेके पहुंचते। आप सोचो मजलिस हुसैन का सवाब, सदक़े का सवाब, खैरात का सवाब, किसी यतीम को की मदद करने का सवाब। तो ये मजलिस, ये लोग फरिश्ते रहमत के फरिश्ते नूर का तश लेके बाप की माँ की भाई की बहन की लहर में पहुंचे। तो मुर्दा आंखों को खोल के देखता, अगर अंधेरा तो उसका अंधेरा जाके रोशनी आ जाती है। तो उस वक्त मुर्दे को एक सुकून, मिसाल के तौर पे गर्मी है तो ये मिसाल दे रहा अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए, बोला एयर कंडीशन लग गए, एयर कंडीशन कुन फैगुन का मामला है, कुन फैगुन का मामला है, बेहतरीन टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया। आप गर्मी में बैठे, आजकल ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है एकदम, आप एयर कंड बाहर रहेंगे और जैसे ही आप रूम में आएंगे जहां एयर कंडीशन है, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे कि यार क्या सुकून मिलता। तो वो होता मुर्दे को, मैं मिसाल से समझा रहा आपको सिर्फ। पहुंचा तो वो मुर्दा पूछता कि बाबा ये आया कहां से, भेजा किसने, किस नेकी का अजर मिल रहा। एक एक जुमला मेरा गौर से सुनो, मुर्दा पूछता, तुम्हारी मां पूछती, तुम्हारा बाप पूछता, भाई पूछते, बहन पूछते, मोमिनीन पूछते कि ये आया कहां से, किसने भेजा,
ये रहमत एकदम कैसे आ गई? तो फरिश्ते जवाब देते कि फुला, मिसाल के तौर पे आज डॉक्टर अल्ताफ को बोल रहे कि जनाब सज्जाद साहब और ये एंटायर फैमिली जिन लोगों ने ये मजलिस करवाई है, इनको बताया जाता है कि देख ये तेरे रिश्तेदार, ये तेरे फैमिली मेंबर्स, इन्होंने ये गिफ्ट भेजा है तुम्हारा। अल्लाह वो बरसक के पर्दे को हटाता, इसलिए कि अब जो मर गए उनके और हमारे बीच में एक बरसक का कर्टन, एक पर्दा। जैसे ही जिस्म से रूह निकलती, रूह जो है बरसक में चली जाती हिसाब और किताब के बाद, वो पर्दा ऐसा हटता। अल्लाह उन लोगों को बताता कि जिन्होंने इन मरहूम के लिए ईसाले सवाब किया, जिन्होंने मरहूम के लिए ईसाले सवाब का तोहफा भेजा। मिसाल के तौर पर आपने सूरह अलहम पढ़ा, आपने 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ा, और आपने सूरह यासीन पढ़ा, आपने सूरह मुल्क पढ़ा, आपने मजलिस हुसैन कराई, जो भी आपने की करे, किसी गरीब को आपने मदद कर दी, किसी यतीम के सर पे आपने हाथ फेरा, और नीयत ये की कि इसका सवाब मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को पहुंचे, एंटायर शिया कम्युनिटी को पहुंचे, आपने ज्यारत इमाम हुसैन पढ़ी और नीयत ये की कि मैं ये ज्यारत इमाम हुसैन अपने मरहूम बाप की तरफ से पढ़ा, अपनी माँ की तरफ से, पूरे शिया मौला के जमाने से, बीबी के जमाने से लेके आज तक जितने मिलियंस की तादाद में शिया ने हैदर करार है, उनके बिहाफ में मैं मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ा, तो उसका जो सवाब है लिटरली एक हैवी शावर्स जो होते ना, जबरदस्त जो बारिश होती, वो रहमत की बारिश है जो मरहूमीन की लहत के ऊपर पहुंचती। और वो लोग अगर तकलीफ में है, वो पूछते ये रहमत आ रही कहां से, तो उनको बताया जाता जैसे आज डॉक्टर अल्ताफ की लहत में जब रहमत मदीसे हुसैन की पहुंचेगी, जब पहुंचेगी तो वो पूछेंगे आया कहां से, तो उनको बताया जाएगा कि तेरे बेटे, तेरी बेटी, तेरे रिश्तेदार, तेरी बीवी ने, पूरी एंटायर फैमिली, उनको बताया जाता। तो उस वक्त डॉक्टर अल्ताफ मिसाल दे रहा डॉक्टर अल्ताफ वहां से अपने बेटे को देख, अपनी बेटी को देखते, अपनी बीवी को देखते, अपने रिश्तेदारों को देखते, और देख के बोलते अच्छा इन लोगों ने भेजा। एक अरसे के बाद बाप अपनी औलाद को देखता, बाप अपने रिश्तेदार को भेजता, हल जजाउल एहसान इल्ला लेहसान है, हल जजाउल एहसान इल्ला लेहसान है। तो मुर्दा नीचे से हाथों को उठा के दुआ देता कि परवरदिगार मेरे बेटे ने मुझे याद रखा, मेरी बेटी ने मुझे याद रखा, मेरे भाई ने मुझे याद रखा, ये रिश्तेदारों ने मुझे याद रखा, इनकी वजह से रहमत मेरे पास आई, अब तू इनके ऊपर रहमत को नाजिल कर। एक मजलिस कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर डैड, एक मजलिस तुम्हारे बाप की तकदीर को बदल दे। तुम चाहते हो, बस दोस्तों मेरा टाइम हो गया, थर्सडे मत भूलो, मैं हमेशा बोलता हूं ये बार जुमेरा, डोंट फॉरगेट थर्सडे, और सियारत इमाम हुसैन रोज पढ़ना। अगर ये मरहूम डॉक्टर अल्ताफ ब्रिस्बेन में दफन है या पाकिस्तान में कराची में दफन है, और कराची में इस वक्त मुझे कोई सुन रहा, उनके रिश्तेदार वादी उल हुसैन वहां का बेहतरीन कब्रिस्तान है, मैं गया नहीं लेकिन मैंने उसके पिक्चर्स देखे, जाओ कब्रिस्तान को, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, कोई तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, माशाल्लाह सब जिंदा, अल्लाह उनको सलामत रखे, जाओ कब्रिस्तान को, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, ज़ियारत वारिसा पढ़ो। आशुरा बड़ी है ना, 5 मिनट का होमवर्क दे रहा, 5 मिनट का, 5 मिनट ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, वारिसा पढ़ो, और ये नियत करना जब कब्रिस्तान में जाना। मिसाल के तौर पे कराची में मैं मिसाल दे रहा, वादी हुसैन में आप हजारों खबरें, बड़े बड़े उलमा, जाकिरीन, मुश्तहदीन, मातमदार, अंजुमनों के सदर सब लेटे हुए, आप एंटर हुए तो इमाम अली का सलाम पढ़ के एंटर हो, ऐसा स्ट्रेट एंटर नहीं होना। अगर ब्रिस्बेन में भी आप एंटर हो रहे तो अपने साथ, अगर आपके पास नहीं है सलाम, लेट मी नो, मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपको भेज दूंगा सलाम। 1 मिनट का भी नहीं है, 30-40 सेकंड्स का सलाम है। मैं हर मजलिस में बोल रहा ये बात, क्यों? मैं चाहता सबको सवाब पहुंचे, सबको सवाब पहुंचे, नेकी सबको मिले। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का सलाम, इमाम अली का सलाम, अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन ला मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला सलाम, कैफा वजदतुम खौला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलियल्लाह, वो वाला सलाम आप पढ़ो, वो सलाम। उसके बाद देखो इमाम अली अलैहिस्सलाम बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा कि 25 साल के तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के गुनाह माफ हो जाएंगे। If you don't have that, let me know, I'll send it to you. सलाम कब्रिस्तान का सलाम।
अगर ब्रिस्बेन में तुम्हारे मरहूमीन है तो ब्रिस्बेन में तो पूरा एंटायर ग्रेवयार्ड या सेमेट्री जो है वो पूरी आपकी नहीं होगी, आपका एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा। तो उस पार्ट पे जाओ, मिसाल के तौर पर 10-15-20-25 खबरें, खड़े हो जाओ, खड़े होके ये कराची में वादी हुसैन जा रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, सलाम करके एंटर हो गए। अगर ब्रिस्बेन में सलाम लिखा हुआ नहीं है तो अपने व्हाट्सएप पे सलाम पढ़ के एंटर हो जाओ। 25 साल के गुनाह तुम्हारी नेकी से तुम्हारे माँ बाप के 25 साल के गुनाह माफ होंगे। ये अमीर अल मोमिनीन बोल रहे, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा। वादी सलाम में तो 100% होगा, लिखा हुआ है गेट के पास। उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन, अब नियत करो, मैं जस्ट इमेजिन करो, हजारों खबरें और हजारों ग्रेव्स के पास तुम खड़े रह के ये नियत कर रहे कि मौला हुसैन मैं आपकी ज़ियारत पढ़ा इन इनकी तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस मरहूमींस। फिर अपने माँ बाप का नाम ले लो और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसुम को हदिया करो, गिफ्ट करो, और 14 मासूमीन को गिफ्ट करो। लास्ट में बोलो मादर इमाम जमाना, मेरी इमाम की माँ बीबी नरजिस खातून और बीबी हकीमा खातून को। आप करके देखो यार, यू ट्रस्ट मी, आप करके देखो कैसी रहमत आपके ऊपर आएगी, आप सोच नहीं सकते। यू विल नॉट बिलीव, यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। करके देखो, सिर्फ एक जुमला जब तुम जाय शुरू करोगे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, शावर्स आना शुरू हो जाएगी, ड्रिजलिंग आना शुरू हो जाएगी, और वो सारे वादी हुसैन के मरहूमीन, सारे ब्रिस्बेन के मरहूमीन तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि ये वो बंदा है, ये वो चीजें हैं जिसको यू कैन कैरी, यू कैन कैरी। जब तुम जाओगे नीचे, जब तुम जाओगे, जब हम जाएंगे नीचे, तो ये सारे अल्लाह तुम्हारे लिए पलटा देगा। तुम्हारे पास भी तुम्हारा बेटा करे या ना करे, जब तुम नीचे जाओगे तो अल्लाह वो सारी रहमतों को तुम्हारी लहद में भेज देगा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, मेरा टाइम हो गया, बैक टू बैक मजलिसें चल रही। मौला डॉक्टर अल्ताफ के दर्जात को बुलंद करे, और हमारे सज्जाद भाई और जो जो लोग ये मजलिस करवा रहे, एंटायर फैमिली और तमाम ये शोरा कराम, ये नाजिम भाई हमारे सारे, जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करे, इनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे, इन सब के रिस्क के दरवाजे खोल दे। डॉक्टर अल्ताफ की मगफिरत, सारे मरहूमीन की मगफिरत, जमाने के इमाम की फर्जंद जहरा की सलामती, और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनके लिए, उनकी मगफिरत के लिए, और डॉक्टर अल्ताफ की मगफिरत के लिए, और कुल मुहिबान आले मोहम्मद की मगफिरत के लिए, जहां जहां आप लोग बैठ के सुन रहे, एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। आज एक मुहिब आले मोहम्मद, एक मौला हुसैन के चाहने वाले की ईसा अलैह सवाब की मजलिस। दोस्तों, बड़ा आसान है मजलिस कराना, और ये इतना बड़ा सवाब है जिक्र हुसैन। आप सोचो, इमेजिन करो, जिक्र हुसैन का ये इतना सवाब है, इतना सवाब है। उस गरीब का जिक्र है, उस मजलूम का जिक्र, उस बीबी के घर वालों का जिक्र कि जिसका घर एक दोपहर में उजड़ गया। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। मौला आपका आबाद रखे, मौला आपका सलामत रखे। किस तरह बीबी जहरा का घर उजड़ा, ऐसा उजड़ा कि अब कयामत तक ये घर कभी आबाद नहीं होगा। ऐसा फातिमा का घर उजड़ा कि अब कयामत तक ये घर आबाद नहीं। आप लोग जहां भी बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे, अगर सोफास पे बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे, चेयर्स पे बैठे, अगर शूज पहने हुए हैं, चप्पल्स पहने हुए, तो प्लीज रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स। इसलिए कि ये हमारा बिलीव है, ये हमारा अकीदा कि जब मसाहिब हुसैन होते हैं, शहजादी कौनैन आती है मजलिस, मादर हुसैन को पुरसा देना है, और मजलिस कभी सूखी आंखों से मजलिस से नहीं उठना। बीबी जहरा ने कुछ नहीं मांगा, यही कहा था, बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने शहजादी कौनैन को कहा था कि बेटी अल्लाह कौम पैदा करेगा जो तेरे हुसैन का मातम करेंगे। उस वक्त मेरी बीबी के दिल को सुकून पहुंचा। अजीजों, जब उन्होंने ये सुना
कि हुसैन के ऊपर रोने वाले होंगे तो फातिमा के दिल को सुकून पहुंचे। आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप जब गिरिया करते हैं तो बीवी के दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा बीवी का घर उजड़ा के जालिमों ने छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा। हुसैन शहीद हो गए लेकिन हुसैन के बाद हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पे वो जुल्म हुआ। दोस्तों जब पहला तमाचा सकीना को लगा तो उस वक्त बीवी को एहसास नहीं था कि ये क्या हो गया। बीवी जमीन पे गिर गई। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोल दिया और आपने सुन लिया। जब पहला तमाचा जालिम ने रुखसार पे मारा, सकीना जमीन पे गिर गई, फिर उठाता है दूसरे रुखसार पे मारता। उस वक्त सकीना को यकीन हो गया कि मेरा बाबा मार डाला गया। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोला। अजीजों दोनों हाथों से अपने रुखसार को थाम के हुसैन की यतीम ये कह रही थी, बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। बच्ची तड़प के रो रही थी। जालिम ने आगे कानों से, दोनों कानों से ऐसे गोशवारे छीने दोस्तों के एक लम्हे के अंदर सकीना का लिबास खून आलूदा हो गया। बच्ची को यकीन नहीं आया कि ऐसा कोई जुल्म कर सकता जिसके नाज हुसैन उठा रहे, अब्बास उठा रहे। देखते ही देखते बच्ची का पैराहन तार तार हो गया, कान जख्मी हो गए, रुखसार नीले हो गए। आपको भी बेटियां हैं, तसव्वुर करो चार पांच साल की बच्ची, क्या जुल्म हुआ सकीना पे। उसके बाद जालिम शिमिन ने जब यह काफिला चला तो सकीना को ऊंट की नंगी पुश्त पे लिटा के रस्सियों से बांध दिया था। दोस्तों जब ऊंट चलता था सकीना के पैरों से खून जारी होता। बच्ची तड़प के अपनी माँ को देखती, रबाब को, कि माँ मुझे बचा ले। अजीजो बीबी रबाब चौथे इमाम से कहती, बेटा अपनी बहन को बचा ले। इमाम तड़प के कहते हैं, जालिम शिमर, अरे ये बच्ची यतीम है, अरे इसके ऊपर इतना जुल्म ना कर। बस एक रिवायत पढ़ के जहमत को तमाम करता कि जब ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था, जिस नज़े पे मौला हुसैन का सर मुबारक था वो नज़ा रुक गया। जालिम शिमिन ने बड़ी कोशिश की, फिर था बस मैंने मजलिस खत्म कर दी कि देखो कैसी मोहब्बत थी हुसैन को। जालिम शिमिन ताजियाना लेके चौथे इमाम के पास आया और आके कहने लगा, चल के अपने बाबा से पूछो कि क्यों नहीं चलते। अजीजों मेरा, आप मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे, मेरा इमाम तौक जंजीर को संभाला हुआ आया, सरे हुसैन के करीब आके कहा, बाबा आपके बेटे में इतनी ताकत नहीं है बाबा कि मैं और ताजियाने कहूं, आगे क्यों नहीं बढ़े। अजीजों हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, मेरे लाल मैं आगे कैसे जाऊं, मेरी सकीना जमीन पे गिर गई और काफिला आगे बढ़ गया, क्या वक्त आ गया था हुसैन की यतीम पर। अजीजों चौथे इमाम और शेर बस मजलिस खत्म हो गई। शहजादी ज़ैनब बच्ची को ढूंढते हुए चली तो गोशे सहरा में देखा कि एक बीबी है जो पर्दे में मलबूस है, सकीना को अपनी आगोश में बिठा के सर पे हाथ फेर रही, बोसे ले रही। जैनब तड़प गई। बीबी ने गरीब जाके कहा, बीबी तुम कौन हो, मेरी बच्ची के साथ इतना अच्छा सलूक इसलिए कि इसको अब किसी ने तमाचा मारा, किसी ने गोशवारे छीने। बस दोस्तों बीबी ने चेहरे से नकाब को उल्टा, जैसे ही जैनब ने अपनी माँ फातिमा को देखा तड़प गई, अपने दोनों हाथ माँ के गले में डाल दिया और डाल के कहा, अम्मा आपा भाई, अम्मा अम्मा घर उजड़ गया, मेरा भैया जिबा कर दिया। बस सैयदी परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता, छोटी शहजादी के मसाइब का वास्ता, इन आवाजों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। परवरदिगार ये मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस डॉक्टर अल्ताफ को और उनकी पूरी फैमिली को, जो जो मरहूमीन है, जिन जिन मरहूमीन के नाम लिए गए, उन सारे मरहूमीन को इस मजलिस का सवाब पहुंचे। परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे। जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की कब्रों पे साया करके रोशन कर दे। अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमा।
فرزند زہرا یبن زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ, میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے لوگ بیمار ہیں, بہت بیمار ہیں, کربلا بیمار ہیں, مدینہ جو کووڈ پیشنٹس ہیں, جو کینسر کے ہیں, کئی مومنات مومنین بیمار ہیں, اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے, ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. پروردگار تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. پروردگار میرے امام کو سلامت رکھنا, امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ڈاکٹر الطاف اور جن جن کے نام لیے گئے وہ سارے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. قبلہ ایک چھوٹی سی گزارش آئی ہے جناب عابد جعفری صاحب کی, جو نیوزی لینڈ والے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو, ان کے بڑے بھائی کو ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے ایمرجنسی میں, تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ذرا ان کے لیے خصوصی طور پہ اماں یوجیب کی اگر دعا تلاوت فرما دے پلیز. میں نوحہ خانی کے لیے ملتمس ہوں علی نصر علی زیدی سے, اس کے بعد ضیاء بھائی نوحہ خانی نے, پھر اس کے بعد میں سم لاکھانی صاحب علی نصر علی زیدی. یا حسین 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 ہائے کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا, ہائے ہائے کربلا 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 امتحان صبر سرور دیکھنا, ست باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا, دور تک جاتے ہوئے دیکھا کیا کیسے حسین ٹھوکرے کھا کھا کے خود سنبھلا کیے کیسے حسین, اے علی اکبر ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھنا, ہائے ہائے ماں کے ارمانوں کی چادر کا ماما سر پہ ہے, فاطمہ سہرا کی آنکھوں کا اجالا سر پہ ہے, بیڑے گا ایک پل میں کتنوں کا مقدر دیکھنا, ہائے ہائے دوش پر بکھری ہوئی زلفیں اڑاتی ہوئی ہوا, بکھری زلفوں سے نکھرتی جا رہی تھی کربلا, موت کی جرأت نہیں تھی آنکھ بڑھ کر دیکھنا, ہائے 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 اٹھ رہا ہے گر رہا ہے ایک پردہ بار بار, ام لیلیٰ کا یہ خیمہ ہے میرے پروردگار, لاش جب آئی تو مر جائے گی مادر دیکھنا, ہاں
चला है एक बदर, कह रहा है आवाज दे मुझको मेरे नूरे नजर, खो गई बिनाई मेरी मेरे दिल भर देखना, हाय 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 हाय। ए हुसैन इब्ने अली जाओ ना अकबर के करी, जुल्म ऐसा हो गया है ताब ला सकते नहीं, क्या गवारा है सिना सीने के अंदर देखना, हाय 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 हाय। इंतहा है बूढ़े कांधों का जवां बेटे किला, खून डूबी किस तरह देखेगी माँ बेटे किला, जिस जगह औलाद वालों खुद को रख कर देखना, आए 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 आए। बाबा मेरी माँ मेरे गम को उठा सकती नहीं, नींद ऐसी आ रही है माँ जगा सकती नहीं, जख्म मेरा माँ की नजरों से बचा कर देखना, हाय 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 हाय। खून होता है जिगर रेहान सरवर उस घड़ी, सोचते हैं हजरते शब्बीर की जब बेकसी, बाप का रुक रुक के और बेटे का मुड़ कर देखना, हाय 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 हाय। वक्त रुक सत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। जज़ाकल्ला। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम मोमिन की जानिब से खान वादा सज्जाद सुमरों को, मुल्तमिस हूँ ज़िया अब्बास से, और मैसम लखानी साहब हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन ज़िया भाई पाकिस्तान से आए हैं और उनसे गुजारिश की थी थोड़े वक्त के लिए, तो मुल्तमिस हूँ और यकीनन उसके बाद आखिरी नवा मैसम लखानी साहब का होगा। ज़िया अब्बास साहब आपसे गुजारिश है नवा खानी के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ हैदर टी वी का और तमाम उनके जो क्रू है उनका, और एक मरतबा दुरूद पढ़ रहे हैं बराए बुलंदी दर्जात कुल मोमिनों मोमिनात बिलखसूस मरहूम डॉक्टर अल्ताफ सुमरो साहब और उनके अहल खाना जितने भी मरहूमिन हैं उन तमाम के लिए, तमाम देखने वाले इतने भी उनकी मरहूमिन के लिए, बिलखसूस उलमाए हक जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लामा डॉक्टर जमील अख्तर नकवी साहब और जुमला उलमा और शोरा हम जो इस दुनिया में नहीं है उन तमाम की बुलंदी दर्जात के लिए एक बार बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें। और कुल मोमिनों मोमिनात के लिए उनकी सेहत और सलामती के लिए, जो इस वक्त कोरोना का एक वबा फैली हुई है दुनिया पर, उन तमाम की सेहत और सलामती के लिए एक बार बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें। मोहम्मद नोहे के चंद बंद आपकी समाप्त को हदिया कर रहा हूँ। ये नोहा लिखा है डॉक्टर रजा अब्बास नैयर इंडिया के, बहुत बड़ा नाम एक बहुत बड़े शायर जनाब डॉक्टर रजा अब्बास नैयर साहब, उनके नोहे के चंद अशआर चंद बंद आपकी समाप्त कर दिया कर रहा हूँ। झड़ती थी कभी मक्तल की जमीन बालों से,
दिखती ही थी कभी, छवि का चेहरा जहरा, गिर रहे थे शहे मजलूम, जहां घोड़े से हाथ फैलाए वहीं, हाय 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 हाय, नोहा जहरा जहरा ये रोके कहती थी, ऐ बेवतन हुसैन, हाय हाय हाय, गोदी में मेरी आ जा मेरे खासतम हुसैन, गोदी में मेरी आ जा मेरे खासतम हुसैन, हाय मेरे दिल के चैन, मेरे गुलसिता के फूल, अरे नाका बना था तेरे लिए खल्क का रसूल, अरे नाका बना था तेरे लिए खल्क का रसूल, मक्तल में आज तीरों पे है तेरा तन हुसैन, हाय 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 हाय, मक्तल में आज तीरों पे है तेरा तन हुसैन, गोदी में मेरी आजा मेरे खस्ता तन हुसैन। ये बंद पेश कर रहा हूँ बतौर खास, समाज फरमाइएगा। बताओ बताओ, रिजवान लेके आया था एक दिन तेरा लिबास, हाय 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 हाय, आज एक रिदा नहीं तेरी, करदा नहीं तेरी बहन के पास, बस खाक और खून है तेरा पैरहन हुसैन, बस खाक और खून है तेरा पैरहन हुसैन, हाय वो दिल कहाँ से लाऊं के देखूं मैं तेरी लाश, अरे मेरी रिदा की तरह तेरा तन है पाश पाश, अरे मेरी रिदा की तरह तेरा तन है पाश पाश, तन है पाश पाश, जख्मों से चूर चूर है सारा बदन हुसैन, जख्मों से चूर चूर है सारा बदन हुसैन, गोदी में मेरी आजा मेरे खस्तन हुसैन, हाय कहते हैं किसको जो रो जफा, मैं समझ गई अरे गुर्बत की मौत होती है क्या, मैं समझ गई अरे गुर्बत की मौत होती है क्या, मैं समझ गई, कुर्ता भी लुट गया जो तेरा था, कुर्ता भी लुट गया जो तेरा था कफन हुसैन। और ये
بند پیش کر رہا ہوں بطور خاص, دیکھیے گا شعیب بھائی تمام دیکھنے والے بطور خاص سنیں. ارے ہاں بیٹے بھی دے دیے پاہا, برادر نہ بچ سکا, ارے پامال ہو گیا تیرا, بیٹھ کر نہ بچ سکا, ارے پامال ہو گیا تیرا, پے کر نہ بچ سکا. زینب نے کر کے دیکھ لیا ہر جتن حسین, زینب نے کر کے دیکھ لیا ہر جتن حسین, گودی میں میری آجا میرے خستتن حسین. اور آخری بند آپ کی سماعت اکھا دیا کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. ہائے وہ بے کسی ہے رحم بھی, کھاتا نہیں کوئی, ارے سب خیمے جل گئے ہیں بجھاتا نہیں کوئی, ارے سب خیمے جل گئے ہیں بجھاتا نہیں کوئی, ارے زینب کے بازوؤں میں بندھی ہے رسن حسین, زینب کے بازوؤں میں بندھی ہے رسن حسین, گودی میں میری آجا میرے خستتن حسین. جزاک اللہ, خوش ہو گئے امام صاحب. ضیاء بھائی, ضیاء عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اس کے پاکستان میں عزاداری اور مصروفیت آپ لوگوں کی دن میں رہتی ہے, اور اس وقت پاکستان میں دن ہے, اس کے باوجود آپ نے شرکت کی. میں حیدر ٹی وی کی جانب سے اور خانوادہ سجاد سومرو صاحب کا, جن کی اِسالِ ثواب, آپ کے والد کی اِسالِ ثواب کی مجلس ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے وقت نکالا. آپ شاعر اہل بیت جناب میثم لاکھانی, اور چونکہ ایک والد کی مجلس ہے اور اس میں ایک صاحبزادے کا, ایسے صاحبزادے کا آنا کہ جن کے والد کے فٹ پرنٹ سب جانتے ہیں, خود شاعر رہے ہیں, بہت بڑے عزادار رہے ہیں, اس لیے میں نے میثم لاکھانی سے گزارش کی تاکہ مجلس کی جو اختتام ہے وہ جیسے عنوان آغاز سے ہوا تھا ایسا اختتام ہو. میں شکر گزار ہوں جناب میثم لاکھانی صاحب کا, مصطفی لاکھانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور ان کے صاحبزادے بھی ماشاء اللہ عزاداری کی خدمت میں مصروف عمل ہیں, بیٹیاں بھی ان کی مصروف عمل ہیں, شاعر اہل بیت ہیں جناب. اور آسٹریلیا میں کے جو خاص پروگرام ہوتے ہیں ان میں میثم لاکھانی کی مصروفیت, ابھی شام میں بھی ایک مجلس میں موجود تھے. اختتامی نوحہ خوانی کے لیے میں ملتمس ہوں جناب میثم لاکھانی صاحب سے میلبرن سے کہ اختتامی نوحہ خوانی تشریف فرمائیں. بہت شکریہ شعیب بھائی. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد. میں اپنی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں مرحوم کے گھر والوں کو, مولا مرحوم کے درجات بلند کرے. ایک والد صاحب کا کہا ہوا ایک نوحہ ہے, اس کے مطلب اور چند اشعار پیش خدمت ہے. گھڑی عصر عاشور کی آ گئی ہے, ہے چھلنی کلیجا کہاں جائے زینب. عصر عاشور کی آ گئی ہے, ہے چھلنی کلیجا کہاں جائے زینب, نہیں کوئی یاور نہیں کوئی ساتھی, اکیلا ہے بھیا زینب. گھڑی عصر عاشور کی آ گئی ہے, ہے چھلنی کلیجا کہاں جائے زینب, نہ عباس ہے اور نہ قاسم نہ اکبر, ہزاروں ہے نیزے ہزاروں ہے خنجر, ہزاروں لعینوں
میں تنہا کھڑا ہے وہ زخمی وہ پیاسا کہاں جائے زینب نہیں کوئی یاور نہیں کوئی ساتھی اکیلا ہے بھیا کہاں جائے زینب نہ سر پر ہے چادر نہ خیمے سلامت ہے ہر پل قیامت ہے ہر جا مصیبت لائنوں نے لوٹا ہے اسباب سارا نہیں کوئی اپنا کہاں جائے زینب قیامت کے بل میں ہے لاشے ہی لاشے عجب کا عالم ہے دشت بلا میں کہاں کھو گئی ہے یہاں کس سے پوچھے کہاں ہے سکینہ کہاں جائے زینب کیا تھا جو عباس نے کربلا میں وہی فرض زینب ادا کر رہی ہے ہے پہرے کا ذمہ مگر ہاتھ میں ہے فقط ٹوٹا نیزہ کہاں جائے زینب گھڑی عصر عاشور کی آ گئی مصدق و زینب وہ سب کی ستائی ابھی روتے روتے ذرا سو گئی ہے مصدق و زینب وہ سب کی ستائی ابھی روتے روتے ذرا سو گئی ہے مگر موت پر بھی کہاں چین پایا ہے عبزت پہ روزہ کہاں جائے زینب گھڑی عصر عاشور کی آ گئی ہے اے چھلنی کلیجہ کہاں جائے زینب بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ محسن لاکھانی صاحب شاعر آل بیت تھے اور نوا خانی کر رہے تھے مجلس کے اختتام پر کچھ الفاظ کے لیے سجاد سومروں سے ضرور میں چاہوں گا کہ چونکہ جو بھی سلام نوا خانی خطابت ہوئی وہ الٹیمیٹلی سجاد سومروں کے والد کی طرف سے ہوئی تو میری خواہش تھی کہ سجاد سومروں اگر چاہیں تو کچھ ورڈ کہنا چاہیں میں دیکھتا ہوں علی سومرو صاحب آپ اگر چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں علی رضا سومرو صاحب بہت شکریہ شہزادی بھائی اور کیا کہیں بہت زبردست پروگرام ہو گیا اور اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے بھی شرکت کی مسیح خانی نوا خانی مجلس علامہ صاحب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے بہت ٹائم دیا وقت دیا اور زبردست انہوں نے بیان کیا اور بہت آپ کا بھی بہت شکریہ شعیب بھائی زندہ رہیں آباد رہیں زندہ رہیں خوش رہیں ہمارے بڑوں کی مجلس ہے سجاد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں مجلس کا اختتام کروں جی سر جی شکر ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مجلس کو ہوسٹ کیا اور سارا یہ منعقد کروایا علامہ حافظ بلگرامی صاحب کو بھی آپ نے مجلس کے لیے اویلیبل کیا ان کے ان کو اجر دے ان کو سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ایک مجلس میں شامل ہو کے میرے والد صاحب کے لیے سال ثواب کیا اللہ سب کے مرحومین کو بلند درجات دے آپ کا بہت شکریہ ان میں دوبارہ یقیناً ناظرین یہ سال ثواب کی مجلس ڈاکٹر الطاف سومرو صاحب کے حوالے سے جو ہوئی اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں غیر ٹی وی کی ایک اچھی کاوش تھی اور کہ پوری دنیا میں خصوصی طور پر آزاداری جہاں پر ہندوستان پاکستان آسٹریلیا وائڈ جہاں پر بھی اس طرح کے لوگ ملے اور انہوں نے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ سجاد صاحب کے
वालिद के गम को अपना गम समझा और इस तरह से एक मजलिस, एक ऐसी मजलिस जो नॉर्मल दिनों में नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने कोविड का फ़ायदा उठाते हुए उसको भी एक बेहतर बनाया। और हैदर टीवी की इस काविज पे हम हैदर टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्टीमेटली अपनी जानब से आप सजा सुमरो हमारे घर के फर्द की तरह हैं, ऐसे अल्ताफ़ सुमरो साहब, अली सुमरो साहब। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की यह मजलिस हमारी यहाँ ख़त्म होती है और इंशाल्लाह फिर किसी और मजलिस के किसी और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान शुएब ज़ैदी फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।